Hello everyone, I am Shruti Dua. I am founder of company name Studio Trinetra Redefining Vision and also an influencer of Womennovator from Muradabad. जैसे कि हम सबको पता है कि डॉक्टर्स आजकल हमारे लिए भगवान हैं and we believe that their hands can do miracles and save millions of lives. तो आज मैं ऑनरेबल डॉक्टर रूपक वाधवा जी को हम सब की तरफ से सैल्यूट और वेलकम करना चाहूँगी. डॉक्टर रूपक वाधवा जी के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि he has passed his MBBS from Supratik Medical College of Meerut, post graduation in General Medicine from ESI PGI MSR Delhi, and post graduate diabetic specialist from Boston University USA. Currently, he is working as consultant physician and diabetic specialist at Fortis Hospital, Shalimar Bagh. He has 14 years of experience, and he is national and international journals on diabetic and thyroid related disorder. So thank you so much Dr. Roopak ji. Thank you Shruti for kind words. जो मेरा पहला क्वेश्चन है डॉक्टर रूपक जी आपके लिए कि व्हाट मेजर्स हम लोगों को क्या मेजर्स लेने चाहिए पोस्ट कोविड और जो ऑलरेडी कोविड में हैं डायबिटिक पेशेंट्स उनके लिए आप क्या-क्या प्रिकॉशंस आप बताएंगे. ये आपने एक अच्छा सवाल पूछा है कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए इस कोविड एरा में डायबिटीज पेशेंट्स के लिए स्पेशली, क्योंकि सबके घर में कोई किसी ना किसी को डायबिटीज है और हमने ये भी देखा है कि डायबिटिक पेशेंट्स की मोर्टेलिटी काफी ज्यादा है इस कोविड वेव में. फर्स्ट वेव में तो प्रिवेंशन फिर भी रहा था लेकिन सेकेंड वेव में उससे ज्यादा हो गया और बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एक डायबिटिक पेशेंट को. सबसे पहला चैलेंज तो ये है टू मेंटेन द काउंसलिंग सेशंस और द कंसल्टेशंस विद द डॉक्टर. ड्यूरिंग दिस कोविड हमारे क्लिनिक बंद रहे, टेली कंसल्टेशन रहा, लेकिन फिर भी पेशेंट्स को तो बहुत परेशानी हुई अब दवाई लेने में, अपनी दवाई की अपडेशन करने में. जो लोग एक्सरसाइज करने जाते थे पार्क्स और ये जिम्स बंद होने की वजह से वो अपनी एक्सरसाइज नहीं कर पाए, तो इन सब वजह से पेशेंट्स की डायबिटीज बहुत ज्यादा खराब रही. तो सबसे पहला और अपमोस्ट गोल यही रहेगा एक डायबिटिक पेशेंट का कि उसकी डायबिटीज ठीक रहनी चाहिए. ठीक कितनी रहनी चाहिए? उसके फास्टिंग शुगर 90 से 120 के बीच में और खाना खाने के 2 घंटे बाद वाले शुगर जो आप किसी भी घर पे मशीन से चेक कर सकते हैं वो 180 से नीचे रहने चाहिए. अगर पेशेंट के ये गोल या टारगेट मेंटेन रहते हैं तो उसको कोरोना से कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम है. मैं ये कहूंगा कि डायबिटिक पेशेंट पर से अपने आप से तो उसको कोविड होने के चांस जैसे किसी नॉर्मल लोगों को है जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन ले रहे हैं उतने ही होते हैं, लेकिन अगर एक बार ही कोरोना हो जाए तो उसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांस ज्यादा होते हैं और उस टाइम अगर ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है तो कोरोना के कॉम्प्लिकेशन होने के भी चांसेस कम रहते हैं. हमने ये देखा बहुत सारे लोग जिनकी 3 महीने की शुगर की एवरेज जिसको हम HbA1c या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं अगर उसका लेवल 7 के नीचे होता है या 7 के आसपास होता है 7.1 7.2 तो उन लोगों का रिजल्ट कोरोना की बीमारी से निकलने का बहुत अच्छा रहा है. बल्कि उनका जिनका HbA1c 8 या 10 के करीब था उन केसेस में कोविड निमोनिया बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं. और जैसे डॉक्टर्स डायबिटिक पेशेंट्स को स्टेरॉइड्स भी दिया जाता है कोविड एरा में, तो उसके बाद जो स्टेरॉइड्स में डायबिटिक बढ़ जाता है तो वो कैसे कंट्रोल किया जाए? अब जब हम बात करते हैं कि स्टेरॉइड्स क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि पहली वेव में कोरोना का जो बुखार था वो 5वें से 7वें दिन अपने आप उतर रहा था, लेकिन अब की बारी जब सेकेंड वेव आई है तो मे बी वायरस का म्यूटेशन था या इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा खराब थे हमारी बॉडी के लिए, जिसकी वजह से फीवर 7वें से 10वें दिन तक भी कंटिन्यू करा है. तो उस केस में डॉक्टर्स को स्टेरॉइड का यूज करना पड़ा है. हाँ, स्टेरॉइड का लेजिबल यूज, डोज अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड और पेशेंट रिक्वायरमेंट अगर दी जाती है तो अच्छी बात है. स्टेरॉइड अगर हम किसी नॉर्मल पेशेंट को भी देते हैं तब भी उसकी शुगर बढ़ने के चांसेस रहते हैं और अगर हम किसी डायबिटिक पेशेंट को देते हैं तो उसकी भी शुगर बढ़ सकती है. तो हमें पहले से ही शुगर का अच्छा कंट्रोल लेकर चलेंगे तो डायबिटीज की ब्लड शुगर के लेवल कम बढ़ेंगे. दूसरी चीज, जैसे जैसे हम स्टेरॉइड की डोज बढ़ाते हैं या घटाते हैं उसके हिसाब से हमें पेशेंट का डायबिटीज ट्रीटमेंट भी मैनेज करना है. जैसे अगर पेशेंट को कम डोज की रिक्वायरमेंट है, जो मुंह से गोलियां ले रहे हैं, तो हम उन गोलियों की मात्रा को बढ़ा सकते हैं जैसा हमने करा. नहीं तो अगर वो इंसुलिन पर है तो इंसुलिन की डोज को बढ़ाया जा सकता है. स्टेरॉइड से खाना खाने के बाद वाली शुगर ज्यादा बढ़ती है तो हमें उसका ध्यान देने के लिए कई बार इंसुलिन का प्रयोग करना पड़ता है. और इंसुलिन का प्रयोग ऐसा नहीं है, कई लोगों में मिथ है कि एक बार ही इंसुलिन यूज कर ली तो हमेशा लाइफ लॉन्ग इंसुलिन यूज करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम इंसुलिन का प्रयोग ठीक ढंग से करें और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए करें तो शुगर बेटर होने के बाद इंसुलिन को ड्रॉप भी किया जा सकता है और पेशेंट जो पहले मेडिकेशन पे थे कोरोना होने से पहले उस पर भी जा सकते हैं। दूसरा, कोरोना इटसेल्फ बीइंग अ वायरल डिजीज, क्योंकि एक ये वायरल डिजीज है, पेनक्रियाज को नुकसान पहुंचाकर डायबिटीज के लेवल को खराब कर सकती है। तो स्टेरॉइड दिए जाए या ना दिए जाए, इसके अलावा भी अगर हम डायबिटीज के लिए हम कोरोना का पेशेंट अगर है तो उसकी डायबिटीज उससे भी खराब हो जाती है, इन्फेक्शन की वजह से भी खराब हो जाती है, तो हमें इस चीज का ध्यान देना। कुछ मरीज हमारे पास आए जिनकी शुगर लो हो रही थी कोरोना इन्फेक्शन के बाद, क्यों? क्योंकि उनके खाने पीने में बहुत कमी आ गई, बीमार होने की वजह से या तो वो खाना पीना अच्छे से बना नहीं पाए या खा नहीं पाए, या मुंह का टेस्ट खराब होने की वजह से उन लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया, या बहुत तेज बुखार में भी खाने पीने की भूख नहीं लगती। तो ऐसे पेशेंट में हमें डायबिटीज की दवाई को कम करना चाहिए, जब वो खाना खाएं तभी देनी चाहिए। तो इसलिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल हमें अपने ब्लड ग्लूकोज मीटर का करना है, जिससे हम बार बार शुगर चेक कर सके और उसके हिसाब से अपने डॉक्टर को इंफॉर्मेशन देकर हम उनसे अपना ट्रीटमेंट एडजस्ट करवा सके। तो इसमें बहुत बड़ा रोल पेशेंट की खुद की अवेयरनेस और नॉलेज का भी है, और साथ साथ डॉक्टर से अगर टच में रहेंगे, कनेक्शन में रहेंगे, जैसे आजकल टेली कंसल्टेशन पे हम सब लोग कनेक्टेड हैं, तो हम उनका इलाज अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। जो अभी ब्लैक फंगस बहुत सामने आ रहा है, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, तो वो क्या ज़्यादा खतरा है उनके लिए, और क्या एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए डायबिटिक पेशेंट्स को, डाइट वगैरह? श्रुति, जैसा कि हमने बात करी कि इस बार का जो बुखार है वो ज़्यादा लंबे समय तक चल रहा है कोरोना में, और कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस, जो उसे कॉमन नाम दिया गया है, वो पहले से ही एक बीमारी थी जो जिन मरीजों को हम लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स या बहुत ज्यादा डोज स्टेरॉइड्स की जो इस बीमारी में इस्तेमाल करी गई, या इम्यूनोमॉड्यूलेटर एजेंट, आप लोगों ने नाम सुना होगा, टॉक्लिजुमैब करके एक इंजेक्शन इसमें फर्स्ट वेव में भी दिया गया था, सेकेंड वेव में भी उसका प्रयोग हुआ। तो इन सब चीजों का जब इस्तेमाल होता है तो बॉडी की इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। एक प्रकार की अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो जैसे कीमोथेरेपी देने से बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, या पेशेंट जो ट्रांसप्लांट मेडिसिन पर होते हैं उससे इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो जो कॉमन इन्फेक्शंस है बॉडी के, जो बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उनको जगह मिल जाती है कमजोर से कमजोर इन्फेक्शन को भी तीव्र गति से आने की, फास्टनेस से आने की, और वो बॉडी को नुकसान कराते हैं। तो ऐसा ही एक म्यूकर माइकोसिस करके इन्फेक्शन है जिसे हम ब्लैक फंगस कहते हैं। वो काले रंग का होता है और आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन वो छुपी हुई जगह में होता है, जैसे आंख के पीछे। तो जब तक आंख के पीछे से वो बाहर आएगा या आंख में पेन करेगा, बहुत ज्यादा सिर दर्द करेगा, तब तक उसकी बॉल काफी बड़ी हो चुकी होती है फंगस की, और उसको ट्रीट करने के लिए जो दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं वो बॉडी के लिए टॉक्सिक भी होती है, और उन दवाइयों की पहले से ही कमी रहती थी, ऐसा नहीं है कि अचानक से हो गई। लेकिन जब उनके केसेस बढ़ गए और हमें ज्यादा वायल देने पड़ते हैं तो उनके लिए हमें कमी महसूस हो रही है, और उसके लिए सरकार ने उपरोक्त कदम उठाए हैं और जगह जगह पे सेंटर्स बनाए हैं। तो पेशेंट को जाकर अपना एक आई स्पेशलिस्ट या ENT स्पेशलिस्ट से चेकअप करा के और उसके लिए जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो लेना पड़ेगा। लेकिन इस बीमारी में एक प्रॉब्लम ये भी है कि ब्लैक फंगस जब ज्यादा हो जाती है तो हमें उस पार्ट को या ऑर्गन को काट के निकालना पड़ता है। वो काफी दर्दनाक और भयानक चीज है, शायद उसकी वजह से डर का माहौल भी ज्यादा है। लेकिन पेशेंट्स जो अच्छे से अपने डॉक्टर के टच में रहे हैं, ट्रीटमेंट में रहे हैं, उनको ऐसी कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस बहुत कम है। और शुगर कंट्रोल का बहुत बड़ा रोल है। अगर स्टेरॉइड लेने के बाद भी शुगर 200 और 200 सवा 200 के बीच में रही है पूरे दिन, तो ब्लैक फंगस होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। ओके। और जो होम आइसोलेशन में लोग रहे हैं, जो घर पे ही रहकर उन्होंने अपना ट्रीटमेंट किया है, जो ऑक्सीजन उनको नहीं नीड हुआ डायबिटिक पेशेंट्स को, और प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट करके उनका कोरोना ठीक भी हो गया, तो उनको भी ब्लैक फंगस का दिक्कत आ सकता है। पेशेंट्स को अपना ओरल हाइजीन ठीक से रखना है। हमारे देश में ब्रश करने की प्रथा है, तो हमें टूथब्रश का इस्तेमाल करना है, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना है, अच्छे से ओरल हाइजीन मेंटेन करें, गार्गल्स करें, और इन सब चीजों से अच्छा रहता है। कुछ लोगों ने बहुत ही ज्यादा गर्म पानी से गार्गल्स कर लिए या बहुत ही ज्यादा स्टीम ले ली, तो मेरे पास कुछ केस ऐसे भी आए जिन्होंने अपना गला जला लिया या उनके बहुत ज्यादा भाप लेने की वजह से बॉडी में काफी नुकसान हुआ। तो ऐसी चीजों को भी हमें रोकना है। तो एक चीज की एक लिमिट है, स्टीम मैक्सिमम दिन में 2 बारी, गार्गल्स मैक्सिमम दिन में 2 बारी, और बहुत ज्यादा गर्म पानी से ना करें ताकि गले को जलाया ना जाए और कोई भी कॉमन इन्फेक्शन वहां पर सेट इन ना करे। ओके, तो गार्गल्स नॉर्मल सॉल्ट और बीटाडिन, आई थिंक नॉर्मल कॉमन सॉल्ट भी हम यूज कर सकते हैं और बीटाडिन गार्गल्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों की मात्रा हमें संभाल के करनी है, और दिन में 2 बारी गार्गल्स एनफ है। और ओरल हाइजीन का, माउथ हाइजीन का ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जो कॉमन सोर्स है फंगस के फैलने का वो नोज, माउथ और कैविटीज, ईयर कैविटीज है जहाँ से वो फैल सकता है। ओके, अभी डॉक्टर जैसे ब्लैक फंगस का तो हमने अभी सुन लिया काफी कुछ, लेकिन अभी व्हाइट फंगस के बारे में सुनने में आ रहा है, तो उसका क्या प्रिकॉशंस हैं और वो कैसे हमें सिम्पटम्स? व्हाइट फंगस श्रुति, हम एस्परजिलस इन्फेक्शंस को कहते हैं, जो एक वाइट कलर की बॉडी कैविटीज के अंदर बॉल बन सकती है जब पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत डाउन होती है। स्टेरॉइड्स भी इम्यूनिटी डाउन करते हैं, डायबिटीज के बढ़े हुए लेवल भी इम्यूनिटी डाउन करते हैं, और ये कोरोना वायरस क्योंकि लंग्स को खराब करता है, लंग्स के अंदर कैविटीज बनाता है जहाँ ब्लड फ्लो कम हो सकता है, तो उसके अंदर एस्परजिलस ग्रो कर सकता है और एक एस्परजिलोमा जिसे हम ब्रोंकोपल्मनरी एस्परजिलोमा की बात करते हैं वो कर सकता है। उसके भी कारण सेम है जैसे म्यूकर माइकोसिस के हैं, उसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और कई बार अगर वो अर्ली डिटेक्शन हो जाए सीटी स्कैन पर या एमआरआई पर तो हम उसका अच्छे से इलाज कर सकते हैं, और उस केस में हमें कई बार जो दवाइयाँ लेने से ही इलाज मिल जाता है और ऑपरेशन की जरूरत इतनी नहीं पड़ती है। लेकिन अगर वो फैल जाए तो उसमें भी हमें लंग का कुछ पोर्शन काट के निकालना पड़ता है। तो एस्परजिलोमा या व्हाइट फंगस बेसिकली लंग की बीमारी है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स में होती है, जो लोग ट्रांसप्लांट मेडिसिन पर होते हैं, जो लोग डायबिटीज का अच्छा से ध्यान नहीं रख रहे होते, शुगर लेवल 300-400, फिर कोरोना की वजह से उनकी इम्यूनिटी कम हो गई है, तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये सब होता है। तो हमें कोरोना का इलाज एक बीमारी का बजाय इसके कि हमारे रिश्तेदार ने ये दवाई खाई थी हम भी ये खा लें बिना डॉक्टर के टच में रहे। मैंने देखा बहुत बारी कि एक ही फैमिली में अगर 3 या 4 लोगों को बीमारी हुई है, एक ने दवाई ली और बाकी चारों ने उसको फॉलो कर लिया, लेकिन किसी की बीमारी अलग तरीके से थी, सीरियस थी, तो उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हुए। तो मेरे पास सवाल आता है डॉक्टर साहब कि हम चारों ने तो एक दवाई ली, उनको ज्यादा परेशानी क्यों हुई? हर किसी के शरीर को वायरस अलग तरीके से इस बार परेशान कर रहा है, और सही बताएं तो स्पष्ट भाषा में वायरस डिसाइड कर रहा है कि वो किसको परेशान करेगा और उसका इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी के साथ कैसा बिहेव करेगा, बॉडी की इम्यूनिटी कितनी है उसके लिए। कई लोग बहुत तंदुरुस्त दिख रहे हैं लेकिन इस वेव में बेचारे नहीं बच पा रहे हैं, लेकिन जबकि हमारे बहुत सारे किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट भगवान जी की दया से जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होने के बावजूद लेकिन अपना ध्यान रखने की वजह से भी वो ठीक चल रहे हैं। तो डायबिटिक पेशेंट जब तक कोरोना को अक्वायर नहीं करता है तब तक तो उसका रिस्क और नॉर्मल आदमी का रिस्क सेम है, लेकिन जब वो उसको अक्वायर कर लेता है और अगर शुगर का कंट्रोल अच्छे से नहीं करता तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ने के चांसेस बहुत है। तो कॉम्प्लिकेशन बचाने के लिए हमें डायबिटीज को भी कंट्रोल करना है, मास्क भी पहनना है, डिस्टेंस भी मेंटेन करना है और अपने डॉक्टर के टच में भी रहना है कि जिससे हम अच्छे से दवाई पता कर सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने अभी ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के लिए हमें बताया। अभी एट द एंड आप कुछ योगा या एक्सरसाइजेस जो डायबिटिक पेशेंट्स को लेना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा केयर और क्या कर सकते हैं हम लोग? ब्रीथिंग, डायबिटिक पेशेंट्स बाहर पार्क में अगर सैर के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो 3 टाइम खाना खाने से पहले 20 से 25 मिनट अगर अपने घर में ही चहलकदमी करें तो वो भी एक प्रकार की एक्सरसाइज है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को हम डेली 40 मिनट्स वॉक के लिए कहते हैं, क्योंकि 20 से 25 मिनट के बाद वॉक करने से ही डायबिटिक पेशेंट को फायदा होता है। तो वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। सेकंड, आप घर पे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं, उससे श्वास प्रक्रिया को अच्छी मदद मिलती है। और जितने भी कोरोना अफेक्टेड पेशेंट्स हैं, वेदर डायबिटिक नॉन डायबिटिक, उन्हें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूर करनी है। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ असर या कसर लंग्स में बाकी रह जाएगी, फेफड़ों में बाकी रह जाएगी, जो अभी शायद परेशान ना करे लेकिन आगे के लिए परेशान करे। बहुत सारे मरीज हमारे बता रहे हैं कि पहला जितना एफर्ट कर लेते थे, काम कर लेते थे, उतना नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम उतना नहीं कर पा रहे हैं काम, तो उसके लिए हमें अपना स्टेमिना बिल्डअप करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, वॉक को बढ़ावा देना है। विटामिन डी का बहुत रोल है। विटामिन डी की दवाई लेने से या उसका प्रॉपर कोर्स करने से भी बॉडी में स्टेमिना और शक्ति अच्छी आ रही है। विटामिन सी इसीलिए दिया जाता है कि ताकि इन्फेक्शन से बचाव हो सके, कॉमन वायरल इन्फेक्शन से। और जिंक और विटामिन बी को हमें आगे भी कंटिन्यू करना है ताकि हम उन सब चीजों से बचे रहें। थैंक यू सो मच डॉक्टर रूपक वाधवा जी, आपने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है जो आई थिंक डायबिटिक पेशेंट, जो आई थिंक हर घर में कोई ना कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही समझ में आएगा कि कैसे उनको अपना ट्रीटमेंट और कैसे अपना केयर करना है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस और वुमेनोवेटर के साथ जुड़े रहिए। हम नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू श्रुति, थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव।